गाइस, तो ए और बी अल्फाबेट के इयररिंग्स तो हम बना चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज हम लोग बनाने वाले हैं सी अल्फाबेट का। तो मैंने ले लिए कलरफुल बीड्स, एक आई पिन जो फोल्डेड वाली होती है, पॉइंटेड वाली नहीं, ताकि हम दोनों तरफ से फोल्ड कर सके, क्योंकि हमें कुछ चीजें अटैच करनी पड़ेगी। मैंने ले लिया है कलरफुल बीड्स वाला बॉक्स और उसमें से निकाल लिया कलरफुल बीड्स जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं दिखाऊंगा। इनमें से मैंने कुछ बीड्स डाल दिए हैं ये वाली आई पिन में और दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, फोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि आगे हमें कुछ चीजें अटैच करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो, मैंने इसमें से निकाली है सुई, क्योंकि सुई मुझे होल्ड करने के काम आएगी जो मैं सी लेटर बनाऊंगी उसके बाद। तो आप आगे आगे देखते जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सच में। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है और उस पर सी लेटर बना दिया है। उसके ऊपर मैंने OHP शीट रख दी है और उस पर मैंने सुई से जो है होल्ड कर लिया है OHP शीट से। ठीक है, होल्ड करने के बाद हम इसमें ना जंप रिंग अटैच करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अटैच करेंगे कुछ चीजें, तो जंप रिंग अटैच करेंगे और बहुत ही सुंदर सा बनने वाला है आज सी अल्फाबेट का। तो जल्दी से आप बता दो कि सी लेटर के आपको क्या वर्ड्स या नेम्स याद है, जल्दी से कमेंट में लिख दो। आगे मैंने राइनस्टोन चेन ले ली है और जो सी लेटर है उस पर चिपका दिए। तो जंप रिंग तो हमारी अटैच है, तो मैंने ना सी पे भी दो राइनस्टोन जो है वो चिपका दी है, अच्छे से पेस्ट कर दिए, ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो। और दो बार चिपकाने के बाद ना मैं OHP शीट जो है वो इस तरीके से कट कर लूंगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। OHP शीट अच्छे से कट करने के बाद सी लेटर हमारा रेडी हो जाएगा। उससे जंप रिंग अटैच है और जंप रिंग से हम आई पिन जिसमें क्रिस्टल एंड बॉल्स डाला था वो अटैच कर लेना है और उससे ईयर हुक, इसको आप की रिंग भी बना सकते हो। तो यार थोड़ा सा मिस हो गया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलो, बहुत ही अच्छा बनके रेडी हो गया है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा है। और नेक्स्ट अल्फाबेट्स के लिए आप वेट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।